हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सपना शारदा। मैं आज आप सबको अनेकार्थक शब्दों के बारे में बताऊंगी। अनेकार्थक शब्द का मतलब होता है मल्टीपल मीनिंग्स। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इससे पहले वाला जो चैप्टर था उसमें मैंने जो है वीडियो जो बनाई थी वो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के बारे में बताई थी, उसमें बताया था इसके बारे में। उसका लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों में दिया गया है। आज मैं आप सबको अनेकार्थक शब्दों के बारे में बताऊंगी। अनेकार्थक शब्द, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अलग अलग संदर्भों में प्रयोग के अनुसार अलग अलग अर्थ देते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका अलग अलग जगह पर जो प्रयोग जब अलग अलग होता है तो उनके अलग अलग अर्थ होते हैं। तो एक से अधिक अर्थ देने के कारण ऐसे शब्दों को अनेकार्थक शब्द कहते हैं। एक से जब उनके अर्थ अधिक होते हैं, मतलब एक शब्द के एक अर्थ होना चाहिए लेकिन उससे ज़्यादा अर्थ होते हैं, तो उनको अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे जैसे शब्द क्या है, अर्क, अर्क है शब्द, तो अर्क का मतलब होता है सूर्य, और एक अर्क का मतलब होता है रस, जैसे कोई सब्जी है उसका रस होता है, और एक अर्क का मतलब होता है आग का पौधा। आग के पौधे को भी अर्क कहते हैं, सूर्य को भी अर्क कहते हैं और रस को भी अर्क कहते हैं। दूसरा होता है अली। अली मतलब होता है भौरा, कोयल, बिच्छू। एक अली का मतलब कहीं पर भौरे से लगाया जाता है, अली का मतलब कोयल से भी लगाया जाता है, और अली का मतलब बिच्छू से भी लगाया जाता है। इसके बाद होता है अर्थ। कहीं पर हम अर्थ का मतलब धन से लेते हैं, कहीं पर अर्थ का मतलब होता है मीनिंग या मतलब से लेते हैं, कहीं पर अर्थ का मतलब कारण से होता है कि इसके कारण कारण क्या है। तो अर्थ का मतलब धन भी होता है, मतलब भी होता है और कारण भी होता है। उत्तर जो होता है, उत्तर का मतलब एक दिशा से भी होता है, उत्तर का मतलब आंसर मतलब जवाब से भी होता है, और उत्तर का मतलब सॉल्यूशन या फिर हल से भी होता है कि इसका उत्तर ये है, इसका हल ये है। आप किसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं तो मतलब उसका जवाब ये है, और उत्तर एक दिशा है तो उस दिशा को भी हम उत्तर कहते हैं। तो उत्तर एक दिशा भी है, जवाब भी है और हल भी है। कर का मतलब होता है हाथ, कर का मतलब हाथ से होता है, कर का मतलब किरण से होता है, कर का मतलब टैक्स से होता है, और कर का मतलब सूंड से भी होता है। तो एक कर जो हमसे जो है टैक्स के रूप में लिया जाता है, जो हम देते हैं कर, ये एक कर का मतलब होता है किरण, जो किरण होती है सूर्य की, या एक कर का मतलब होता है हाथ, हस्त, हाथ, कर, ये सब इसके हाथ के पर्यायवाची हैं, और एक कर का मतलब सूंड से होता है। ऐसे आगे चलते हैं अब हम, तो खग, खग का मतलब बाण से होता है, खग का मतलब पक्षी से भी होता है, खग का मतलब ग्रह से होता है, और खग का मतलब सूर्य से भी होता है। तो खग के कितने मतलब हो गए, कहीं पर आपका खग का मतलब क्या होगा, बाण होगा, कहीं पे सूर्य होगा, कहीं ग्रह, और कहीं पे पक्षी से होता है। अक्षर का मतलब क्या होता है, अक्षर का मतलब होता है ब्रह्मा से, अक्षर का मतलब वर्ण से होता है जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया है, अक्षर का मतलब विष्णु से होता है, और अक्षर का मतलब शिव से भी होता है। तो अक्षर का मतलब किससे हुआ, ब्रह्मा से हुआ, अक्षर का मतलब विष्णु से हुआ, अक्षर का मतलब वर्ण से भी हुआ, और अक्षर का मतलब शिव से भी हुआ। अंबर, अंबर का मतलब आकाश से है, आकाश को हम अंबर कहते हैं, और कपड़े को भी हम अंबर कहते हैं, केसर को भी हम अंबर कहते हैं। तो अंबर के कितने अर्थ हैं, आकाश, कपड़ा और अंबर, ये सब हमारे अंबर के ही मतलब अलग अलग अर्थ हैं। अलग अलग जगह पे जहाँ पे इनका अर्थ होता है वहाँ इनका प्रयोग अलग अलग तरीके से किया जाता है। आम का मतलब, जैसे आम एक फल हुआ, आम फल ही तो है, फ्रूट है, तो आम फल हुआ। आम का मतलब आम नागरिक, मतलब साधारण नागरिक, तो हम कहते हैं ना आम जनता, साधारण जनता। आम का मतलब व्यापक, मतलब वो फैला हुआ है सब जगह, ये बात तो आम है, मतलब ये बात सबको पता है, ये नॉर्मल हो गई, ये बात इतनी ज्यादा फैली हुई है कि ये सबको पता है। खर का मतलब क्या होता है, खर का मतलब होता है दुष्ट, खर का मतलब होता है गधा, खर का मतलब होता है तिनका, और खर का मतलब होता है राक्षस। खर का मतलब क्या हुआ, दुष्ट हुआ, खर का मतलब हुआ गधा, खर का मतलब तिनका, खर का मतलब हो गया राक्षस। तो ये जो है अलग अलग जगहों पे अलग अलग इसके वो अर्थ हो जाते हैं, दुष्ट, गधा, तिनका
और राक्षस, ये सब जो है खर के वो है मीनिंग है, मतलब कि खर को अलग अलग रूपों में अलग अलग जगह पे अलग अलग अर्थों के साथ प्रयोग किया जाता है। अब आता है जलज। जलज का मतलब होता है कमल। जलज का मतलब कमल से होता है। जलज का मतलब मोती से हुआ, क्योंकि वो भी पानी में ही सीप के अंदर होता है। जलज का मतलब मोती हुआ और जलज का मतलब मछली हुआ, क्योंकि वो पानी में रहती है तो मछली को भी हम जलज कहते हैं। अब आता है तारा। तारा आंख की पुतली भी हुई, आंख की पुतली को हम तारा कहते हैं। बाली की पत्नी का नाम भी तारा ही था। और नक्षत्र ग्रह, जो ग्रह नक्षत्र होते हैं उनमें भी ऊपर आप आकाश में देखेंगे तो ऊपर भी जो है नक्षत्रों में क्या है वो तारा होता है, तो वो भी एक नक्षत्र है। तो तारा क्या मतलब हुआ, आंख की पुतली को भी कहा, बाली की पत्नी के अर्थ में भी है और नक्षत्र के अर्थ में भी तारा है। नाग, हाथी को भी जो है नाग कहा जाता है, सांप को भी हम नाग कहते हैं और बादल को भी नाग कहा जाता है। तो हाथी, सांप, बादल, इनके जो अलग अलग अर्थों के रूप में ये जो हमारा यूज होता है वो शब्द क्या है, नाग है। उसको हम अनेक अर्थों के रूप में प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम आते हैं मधु पे। मधु मतलब होता है शहद। मधु का एक अर्थ होता है शराब और मधु का एक अर्थ होता है बसंत ऋतु। मधु का अर्थ क्या होता है, शहद से होता है। मधु का अर्थ शराब से भी होता है और मधु का अर्थ बसंत ऋतु से भी होता है। अब फिर आता है गति। गति का मतलब होता है चाल से, गति का मतलब होता है हालत से और गति का मतलब होता है मोक्ष से। गति का मतलब किससे होता है, चाल से भी होता है, हालत से भी होता है और मोक्ष से भी होता है। निशाचर, निशाचर का मतलब होता है राक्षस। निशाचर मतलब क्या होता है, राक्षस होता है और निशाचर का मतलब होता है उल्लू, जो रात को जगता है उल्लू। प्रेत भी निशाचर कहलाता है क्योंकि वो भी रात्रि में ही परेशान करते हैं। और चोर, चोर को भी निशाचर कहा जाता है। ये सब लोग जो रात्रि से मतलब लिंक्ड हैं उनको निशाचर के रूप में कहा गया है। तो निशाचर का मतलब राक्षस हुआ, निशाचर का मतलब प्रेत हुआ, निशाचर का मतलब उल्लू हुआ और निशाचर का मतलब चोर हुआ। फिर आता है हमारा लक्ष्य। लक्ष्य का मतलब निशाने से होता है, लक्ष्य का मतलब उद्देश्य से होता है, लक्ष्य का मतलब अभीष्ट वस्तु से होता है। लक्ष्य का मतलब हमारा निशाने से होता है, लक्ष्य का एक का अर्थ होता है उद्देश्य और लक्ष्य का एक अर्थ होता है अभीष्ट वस्तु। पतंग का अर्थ सूर्य से होता है। पतंग का अर्थ कीड़ा कहते नहीं, पतंगा कीट पतंगे, तो कीड़ा वो भी पतंग का अर्थ हुआ। आकाश में उड़ने वाली पतंग को भी पतंगी कहते हैं, काइट, जो से आपको पता ही होगा काइट मतलब भी पतंग होता है। तो आकाश में उड़ने वाली पतंग को भी पतंग कहते हैं। पतंगा मतलब कीड़ा हुआ और पतंग मतलब क्या है, सूर्य हुआ। काम, काम के लिए जो है अलग अलग अर्थों के रूप में प्रयोग होता है। एक काम का मतलब होता है कार्य, एक काम का मतलब होता है कामदेव और एक काम का मतलब होता है इच्छा। मतलब काम का मतलब क्या हुआ, कार्य भी हुआ, कामदेव भी हुआ और इच्छा भी हुआ। ऐसे पत्र का क्या अर्थ है अलग अलग, एक पत्र का अर्थ होता है चिट्ठी, एक पत्र का मतलब होता है पत्ता और एक पत्र का मतलब होता है कागज। एक पत्र का मतलब क्या होता है, चिट्ठी, एक का मतलब होता है पत्र से पत्ता और एक मतलब होता है कागज। तो इसके अभी अलग अलग अर्थ हैं। पद, पद में एक का अर्थ होता है पैर से, दूसरे का अर्थ मतलब जो दूसरा इसका अर्थ होता है चरण से होता है। ऐसे एक और अर्थ होता है दर्जा, एक और अर्थ होता है उपाधि। मतलब कहते नहीं ये उस उपाधि पे हैं, ये उस दर्जे पे हैं, या ये जो है पद मतलब होता है पैर, पद मतलब होता है चरण, पद मतलब होता है दर्जा और पद मतलब होता है उपाधि। तो इन सबके हमारे अलग अलग अर्थ होते हैं, लेकिन एक शब्द ही अलग अलग अर्थों के कारण अलग अलग जगह पर हमारा यूज में आता है। तो मैं एक बार और इनको फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। अनेकार्थक शब्द क्या होता है, तो अनेकार्थक शब्द के बारे में जैसा कि आपने सुना है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अलग अलग संदर्भों में प्रयोग के अनुसार अलग अलग अर्थ देते हैं। मतलब एक से अधिक देने के कारण ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, अनेकार्थक शब्द कहते हैं। आप ये भी कह सकते हैं छोटे फॉर्म में, जो शब्द एक से अधिक अर्थ देते हैं उनको हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे जैसे मैं आपके में ये रिवाइज करवा देती हूँ, जल्दी जल्दी करेंगे हम, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। अर्क, अर्क का मीन्स सूर्य, रस, आग का पौधा। अली, अली का मतलब होता है भौरा, कोयल, बिच्छू। अर्थ का मतलब होता है धन, मतलब कारण। उत्तर का मतलब होता है एक दिशा, जवाब, हल। कर का मतलब होता है हाथ, सूंड, किरण,
टैक्स, खग का मतलब होता है बाण, सूर्य, ग्रह, पक्षी, अक्षर का मतलब होता है ब्रह्मा, विष्णु, वर्ण, शिव, अंबर का मतलब होता है आकाश, कपड़ा, केसर, आम का मतलब होता है आम का फल, साधारण, व्यापक, खर का मतलब होता है दुष्ट, गधा, तिनका, एक राक्षस, जलज का मतलब होता है कमल, मोती, मछली, तारा का मतलब होता है आग की पुतली, बाली की पत्नी, नक्षत्र, नाग का मतलब होता है हाथी, सांप, बादल, मधु का मतलब होता है शहद, शराब, वसंत ऋतु, गति का मतलब होता है चाल, हालत, मोक्ष, निशाचर का मतलब होता है राक्षस, प्रेत, उल्लू, चोर, लक्ष्य का मतलब होता है निशाना, उद्देश्य, अभीष्ट वस्तु, पतंग का मतलब होता है सूर्य, कीड़ा, आकाश में उड़ने वाली पतंग, काम का मतलब होता है कार्य, कामदेव, इच्छा, पत्र का मतलब होता है चिट्ठी, पत्ता, कागज, पद का मतलब होता है पैर, चरण, दर्जा, उपाधि। तो ये सब आपके क्लियर हो गए हैं। आगे फिर अब इसकी एक्सरसाइज कराऊंगी मैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि मैं इसमें बहुत मेहनत कर रही हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे मेरी सारी वीडियोस आप तक पहुँच सकें। थैंक यू। अब हम आगे बढ़ते हैं, अभी थोड़े से और बचे हैं, ये भी हम कर लेते हैं। मुझे लगा था कि ये कंप्लीट हो गए, पीछे एक्सरसाइज होगी, लेकिन अभी थोड़े से बचे हैं, इन्हें भी हम देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट लग रहे हैं मुझे। हरि, हरि का मतलब होता है विष्णु, हरि का मतलब होता है विष्णु भगवान से। सिंह, सिंह को भी जो है हरि कहते हैं, सर्प को भी हम हरि कहते हैं और मेढक को भी हम हरि कहते हैं। तो हरि का यूज जो होता है प्रयोग अलग अलग अर्थों के रूप में होता है, तो विष्णु के रूप में भी होता है, सिंह के रूप में भी होता है, सर्प के रूप में भी होता है और मेढक के रूप में भी होता है। बलि का मतलब होता है बलिदान से, राजा बलि के लिए भी बलि शब्द का प्रयोग किया जाता है, नैवेद्य से भी बलि का मतलब होता है। तो बलि का मतलब बलिदान, राजा बलि, नैवेद्य, इन सब में बलि का प्रयोग होगा। भेद का अर्थ क्या होता है, भेद के अलग अलग अर्थ हैं। एक भेद का मतलब होता है रहस्य, एक भेद का मतलब होता है प्रकार, एक भेद का मतलब होता है फूट, कि हम लोगों में आपस में भेद पड़ गया है, मतलब फूट पड़ गई है, भेदभाव की भावना आ गई है। तो एक भेद का मतलब होता है रहस्य, एक भेद से मतलब प्रकार और एक भेद से मतलब फूट से होता है। मत का मतलब होता है राय, कि सब लोग अपने मत दीजिए, सब लोग अपने राय दीजिए, वोट दीजिए, मत का मतलब होता है वोट दीजिए, मतदान कीजिए। संप्रदाय मतलब भी मत होता है, आप किस मत से रिलेटेड हैं, आप किस संप्रदाय को पसंद करेंगे, आप किस संप्रदाय को अपनाएंगे, क्या आप जो है। मत का मतलब होता है राय, मत का मतलब होता है वोट और मत का मतलब होता है संप्रदाय। स्नेह का मतलब होता है प्रेम, और स्नेह का मतलब क्या होता है तेल, स्नेह का मतलब होता है चिकनाहट। एक स्नेह का मतलब होता है प्रेम, हालांकि मुझे बस इस प्रेम के बारे में पता था, ये और ये नहीं पता थे, पर ठीक है, अच्छा है, पुराना भी रिवाइज हो जाता है। तो स्नेह का मतलब होता है प्रेम, स्नेह का मतलब तेल होता है और स्नेह का मतलब चिकनाहट भी होता है। कनक का मतलब होता है सोना, कनक का मतलब धतूरा और कनक का मतलब होता है गेहूं। एक कनक से मतलब होता है सोना, एक कनक से मतलब होता है धतूरा और एक कनक से मतलब किससे होता है, गेहूं से होता है। काल का मतलब होता है मृत्यु, काल आ गया है मतलब उसका काल निकट आ गया है, मतलब उसकी मृत्यु निकट आ गई है। एक काल का मतलब होता है समय, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। एक काल का मतलब होता है अवधि, मतलब जो टाइम चल रहा है काल। तो काल का मतलब क्या होता है, मृत्यु, समय और अवधि, इन सब अलग अलग रूपों में काल का प्रयोग होता है। अज का मतलब होता है ब्रह्म, अज का मतलब होता है ब्रह्म, अज का मतलब होता है बकरा और अज का मतलब होता है शिव। अज का क्या मतलब हुआ, ब्रह्म हो गया, अज का मतलब हो गया बकरा और अज का मतलब शिव हो गया। वंश का मतलब कुल से होता है, पिछले चैप्टर में बताया था मैंने, वंश का मतलब किससे होता है, कुल से होता है, वंश का मतलब बांस से होता है, वंश का मतलब जाति से होता है। तो ये हमारे जो है ज्यादा टफ नहीं है, ध्यान से पढ़ेंगे तो ये भी हमें समझ में आ जाएंगे, एक बार इन्हें भी हम रिवाइज कर लेते हैं। हरि, हरि का मतलब होता है विष्णु, सिंह, सर्प, मेढक। बलि का मतलब होता है बलिदान, राजा बलि, नैवेद्य। भेद का मतलब होता है रहस्य, प्रकार, फूट। मत का मतलब होता है राय, वोट, संप्रदाय। स्नेह का मतलब होता है प्रेम, तेल, चिकनाहट। कनक का मतलब होता है सोना, धतूरा, गेहूं। काल का मतलब होता है मृत्यु, समय, अवधि। आज का मतलब होता है ब्रह्म, बकरा, शिव।
वंश का मतलब होता है कुल, बांस, जाति। तो ये हमने जो है सारे क्लियर हो गए हैं। अब हमारी इनकी एक्सरसाइज पे आएंगे हम। एक्सरसाइज बहुत कम है। एक्सरसाइज क्या है, आपने क्या सीखा अभी तक, हमने चैप्टर में क्या क्या सीखा है, तो इनको देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से दो दो अर्थ लिखो जो एक दूसरे से अलग हो, जो एक दूसरे से अलग हो। अर्क, अर्क का मतलब क्या होता है, अर्क का मतलब एक तो सूर्य से हो गया, दूसरे अर्क का मतलब रस से हो गया। अर्थ का मतलब क्या होता है, अर्थ में एक का मतलब तो, का मतलब तो मतलब से ही हो गया, और अर्थ का मतलब धन से हो गया। तो ये क्या हो गया, एक तो हो गया मतलब और दूसरा हो गया धन। जलज का मतलब कमल से हो गया, और जलज का मतलब हमारा मछली से भी होता है। ऐसी मधु का मतलब शहद से होता है, मधु का मतलब बसंत ऋतु से होता है। तो मधु का मतलब क्या हो गया, शहद, और दूसरा हो गया बसंत ऋतु। निशाचर का मतलब प्रेत से हो गया, और दूसरा निशाचर का मतलब क्या हो गया, उल्लू से है। तो ये हमारे क्लियर हो गए हैं। अब अगला क्वेश्चन है, रेखांकित शब्दों के अर्थ लिखो। यह है आम बात है, आम में नीचे रेखा खींची हुई है, यह है आम बात है। आम मतलब क्या हो गया, साधारण। आम मतलब ये साधारण सी बात है, मतलब ये बात सबको पता है, यह आम बात है, मतलब ये साधारण हो गया। इससे मतलब आम का फल मीठा होता है, तो आम का फल मीठा होता है। आम का मतलब क्या हो गया इसमें, फल विशेष से, मतलब एक फल का नाम बताया गया है इसमें। आप अपने कर कमलों से ही कार्य करो, कर कमलों से ही कार्य करो, मतलब आप अपने हाथों से ही कार्य करो। कर का मतलब हो गया हाथों से। उसने अपना गृह कर चुका है, उसने अपना गृह कर चुका दिया है। ओके, उसने अपना गृह कर चुका दिया है, मतलब उसने अपने घर का किराया चुका दिया है ना, जो घर का किराया देना पड़ता है, तो वो कह रहे हैं गृह कर। तो उसने अपना गृह कर चुका दिया है, मतलब उसने अपने घर का किराया चुका दिया है। वह अपने लक्ष्य से भटक गया है, वह अपने उद्देश्य से भटक गया है। लक्ष्य का मतलब हो गया उद्देश्य। शिकारी का लक्ष्य चूक गया, शिकारी का निशाना क्या हो गया है, चूक गया है। तो ये हमारे जो है इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इसके बाद में अब आपको जो है नेक्स्ट चैप्टर कराऊंगी। नेक्स्ट चैप्टर पे अगर हम आते हैं तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा है, पत्र लेखन है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो है पत्र लेखन है, जिसमें मैं पत्र लिखने के बारे में बताऊंगी और उसके तरीकों के बारे में, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो अब ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब फिर मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।